कटनी मध्य प्रदेश से चंद प्रभा जैन पूछनी गुरुदेव कि अभय दान का क्या स्वरूप है और एक गृहस्थ किस प्रकार अभय दान कर सकता है। देखिए अभय दान का मतलब बहुत व्यापक है। अभय दान का मतलब है किसी के प्राणों की रक्षा करना, प्राणों को बचाने का नाम अभय दान है। कुछ लोग मुनियों को आवास दान के रूप में भी अभय दान ले लेते, लेकिन नहीं, आश्रय दान और अभय दान में बड़ा अंतर है। प्राण की रक्षा जिससे हो अभय दान। अगर मेरे किसी कृत्य के द्वारा किसी के प्राणों का संरक्षण होता है तो वह अभय दान की श्रेणी में आता है। आज एक गृहस्थ अभय दान कैसे कर सकता है? किसी भी प्राणी को न मारने के संकल्प से और मरने वाले प्राणियों को बचाने के प्रयत्न से, गुरुदेव की कृपा से गौशालाओं का उपक्रम अभय दान का श्रेष्ठतम उपक्रम है। इनके माध्यम से आज बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है और ऐसा अभय दान सबको करना चाहिए। आचार्यों ने ऐसा लिखा है कि अभय दान के बिना की जाने वाली सारी पारमार्थ की क्रियाएं व्यर्थ है। तुम्हारा पूजा पाठ दान धर्मानुष्ठान तब तक अर्थपूर्ण नहीं है जब तक तुम्हारे मन में अभय दान यानी जीव रक्षा का भाव न हो। और ऐसा भी लिखा है कि जो अभय दान करते हैं उसकी मृत्यु टलती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ घर के हर मांगलिक प्रसंगों में अभय दान का कार्य करना चाहिए।